हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग वी लॉगिश। यू मस्ट बी नोइंग किसी भी केस के प्रिपरेटरी स्टेजेस उसकी डेट से उसके इफ़ेक्टिव कोर्ट वर्क से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और एटलीस्ट आई फील सो, क्योंकि इफ़ेक्टिव डेट्स तो हो सकता है ईयर में 2 या 3 हो मैक्सिमम अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैटर है, बट प्रिपरेशन के लिए, क्लाइंट्स से मीटिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए आपको बहुत टाइम रखना होता है। तो क्लाइंट मीटिंग्स के लिए मैंने ये डे स्पेसिफिकली फ़िक्स किया था। आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपसे डार और फार के बारे में बात करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, और बस इसी तरह से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगी कि ये जो डार होते हैं इसके कंटेंट्स एक्चुअली क्या हैं। बिकॉज आई हैव अ फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट टुडे बिफोर मी, आई रिमेंबर कि हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की है। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ये जो फार FAR फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट और डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी कि डार होती है जो आपको मोटर व्हीकल्स से इंजरी डेथ ऐसे केसेस में मिलती है जनरली, जिसमें MACT की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट होती है बाद में, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले, अगर अनफॉर्चुनेटली कभी कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका रिजल्ट कुछ भी होता है, उसका रिजल्ट कोई इंजरी या कोई अनफॉर्चुनेट डेथ होता है, तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होती, मतलब वैसे तो बहुत लोगों की ड्यूटी होती है उस टाइम पे, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर्स, जो लोग उस स्पॉट पे प्रेजेंट थे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके लिए ना एक पूरी सी स्कीम एक बना रखी है कि आपको कौन सा फॉर्म किस टाइम पे सबमिट करना है। तो उसमें से एक तो फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है FAR, जो कि 48 आवर्स के अंदर पुलिस को सबमिट करनी होती है, अगर मतलब वो उनके पास कोई रीजंस नहीं है उसको डिले करने के। तो ये फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट एक तरह से बता देती है एक्सीडेंट कहाँ हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, ऑन द स्पॉट कौन कौन था, ये सब चीज़ें। ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, इसलिए टाइमलाइंस लगाई हैं हाईकोर्ट ने, वरना जितना डिले होता जाएगा उतना कभी भी आई मीन केस कंप्लीट होने में भी उतना डिले होगा, और असली जो विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन दिलाने की बात है अक्यूज को आइडेंटिफाई करके, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो FAR होती है जो सबसे पहले हम दे देते हैं, और DAR जो कि डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंप्लीट करने के बाद पुलिस ये कोर्ट में सबमिट करती है। विदिन 60 डेज करना होता है, बट वो मैक्सिमम टाइम 90 डेज है, जैसे चार्जशीट का चलता है ना, और DAR उनको चार्जशीट के साथ ही देनी होती है, मतलब 173 CRPC की रिपोर्ट के साथ ही देनी होती है उनको, ये मोटर एक्सीडेंट्स में स्पेशली DAR डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। उसके साथ सिर्फ FAR और DAR की बात नहीं है, बल्कि मैं भी ये दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफकोर्स आइडेंटिटी रीजन्स, बट एक और भी चीज़ होती है कि साथ साथ आपको FIR अटैच करके, फिर जैसे मुझे अपने सामने Form 2 दिख रहा है, I'll show you this. सो आई एम गोना डेफिनेटली शो यू वॉट दैट डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक, बट उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला कोई बैच चाहिए, जो आपको लॉ ऑफ टॉट, हिंदू लॉ, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC, IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनफैक्ट पर्सनल लॉज, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर करवा दे, तो दिस बैच इज़ वन फॉर यू। सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच 19 January से ये स्टार्ट हो रहा है, और अभी तो बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैसे तो अन अकेडमी में एक ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो एक से ज़्यादा बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बट ये जो 12 मंथ्स का बैच है ये उनमें से एक है जिनको करने के बाद आपको और किसी बैच की हेल्प लेने की ज़रूरत शायद ही पड़े। यहाँ पे आपको Q&A डिस्कशंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप कभी लाइव क्लासेस मिस कर देते हो तो। डाउट क्लियरिंग सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी की तरफ से, तो दिस इज़ समथिंग वर्थ कंसिडरिंग। मोटर एक्सीडेंट में ऐसे बहुत सारे फॉर्म सबमिट करने होते हैं, इसमें से एक Form 2 है जो आपको ना विक्टिम को देना होता है 10 दिन में, इंसिडेंट के 10 डेज के अंदर अंदर। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुलिस ने अपने आप से बनाई है, ये सब कुछ हाईकोर्ट ने फॉर्मुलेट करके दिया है, ये सारे फॉर्म्स, एवरीथिंग, मतलब ये जो इतना आपको दिख रहा है इस सब के फॉर्म्स की हुए फॉर्मुलेट, ऑफकोर्स इसमें आगे इनर केस डायरी और बहुत कुछ है, बट ये चीज़, ये राइट्स आपको बताने होते हैं विक्टिम को, उनकी फैमिली को, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो डिसीज्ड भी हो गए हैं, तो ये आपको उनको हैंडओवर करने होते हैं विद इन 10 डेज ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखो उनके राइट इसमें लिख लिखे हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये इसीलिए हाईकोर्ट ने मैंडेटरी किया है कि किसी को भी ऐसा ना रहे कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो इतना वैसे ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और उसके बाद भी उसे ये नहीं पता चल रहा है कि उसका खुद का राइट क्या क्या है। तो ये सारे जो फॉर्म्स लिखे हैं इसमें, ये सब इसमें आगे लगाए हुए हैं, ओनर का फॉर्म, व्हीकल का फॉर्म, वेरिफिकेशन का फॉर्म्स, सब कुछ आपको लग के मिल जाते हैं, और एक तरह से यही होती है जो केस की स्टार्टिंग होती है,
सबसे पहले 48 आवर्स में फार दोगे, फिर उसके बाद आप आगे 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 फॉर्म्स देते जाओगे और उसके बाद ही केस आगे चलेगा। पैरेलल प्रोसीडिंग्स आपकी क्रिमिनल केस और साथ में MNCT में भी हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये इतना बड़ा कुछ देख के अगर आता भी है तो कभी आपको डरना नहीं है। दिस इज़ बेसिकली फॉर द विक्टिम्स, फॉर देयर राइट्स, और उनके ईज के लिए ही है, इन्वेस्टिगेशन को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए है। आई होप आपको फार और डार में डिफरेंस पता लग गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया या नहीं कर दिया। फार आपको सबसे पहले मिल जाएगी, डार मिलने में आपको 60-90 डेज लगेंगे और बहुत बार उससे ज़्यादा भी लग जाता है। I came back home to this amazing and soothing food that day, and that was comforting for me. Ani kahenge na mushroom 65, Ani ki special recipe. And very next day, I was in the Delhi High Court. वैसे तो आज लोहड़ी है, इसलिए मुझे सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी विश करना चाहिए। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद बस इतनी सी बात कि कभी कभी कोर्ट डेज बहुत सही से सब कुछ हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा ऐसे चले जाते हैं कि उतना प्रोडक्टिव नहीं लगता। आज का दिन कुछ ना बीच वाले रूट का था। 3 बजे से ज़्यादा का ही टाइम हो चुका है एंड आई एम टायर्ड टुडे बट एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल डे। अच्छा, अब क्योंकि फिर से रोस्टर चेंज हो गया है तो कुछ मैटर्स में ऐसा हो रहा है कि जो पार्टली हर्ड मैटर्स थे हमारे, जिसमें रिटर्न सबमिशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आज मुझे थोड़ा सा टायरिंग लग रहा है और ये मोर सो सर्दियों की वजह से भी है, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। और ना पता है कोट्स में ना मुझे लगता है कि कोई अंदर कार्ट्स चलनी चाहिए आपका सामान कैरी करने के लिए, क्योंकि नो मैटर अपनी फाइल्स भी इधर उधर रख दो तो भी आपके पास इतनी चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। और मैं आपको बता रही थी कि जो पहले वाले पार्टली हर्ड मैटर्स हैं, बहुत सारे चीफ जस्टिस के बेंच के पास लग रहे हैं और उसके ऑर्डर्स होंगे कि उसे पुराने बेंचेस ही सुने, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। बट एनीवे, एक डेट तो हमारे काफ़ी मैटर्स में वेस्ट हो ही रही है, विच इज़ बैड। लेट्स हेड बैक होम। So yes, even advocates are normal human beings. Along with being in courts, we do enjoy at our homes too. And this was a festival day, so this is how we celebrated Lohri at our home. And I hope you enjoy the celebration as well. तो नेक्स्ट डे छुट्टी थी तो इसलिए कुछ कहानियाँ सुन लो। अस्पताल गए, अब तू छोटी, तुझे घर नहीं छोड़ के गए, हुआ थी मम्मी के पास। अच्छा, इसमें कर ये पागल है, जतिन को बताऊंगी ना। चल, ये कोई गंदी गाली थोड़ी है। तो हुआ थी मम्मी के पास रेड क्रॉस में, तो अब मुझे हरा टोड़ा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तेरे को छो बिठा के कहाँ, छोटी है तू अभी 1.5 साल की, अगर किसी को कह के जाते हो इसका ध्यान रख कहिए ना कोई ले जाए इसको उठा के। उन दिनों में ना बच्चे अस्पताल से ना ले जा रहे थे, मामा गई, कह रहे अभी तो देर है, क्या करें। वो ऐसा हुआ कि एक हफ्ता हुआ ही वो नहीं, वो तो तू थी तो हो गया, तब मैं गई, वो तो तू थी, एक हफ्ता मुझे अस्पताल में रुकना पड़ा था, पूरा एक हफ्ता। ये पैदा हुई थी ना, देखो नियम नियम, ये पैदा हुई थी देखो, ऐसे घी में बड़ी हुई, ऐसे घी घी सारे में,
कि पता ही दादी नहीं नहीं अमन की दादी तेरी बहुत सेवा करी ऐसे ना क्या अमन की दादी इतनी बढ़िया बात तो सही कह रहे ऐसी तो वो आके रुकी तो बेबी को कह रही ना ये बना ला घर से जल्दी अरे बात सुन नियम जब ही पैदा हो गई ना तो रात को पेट तो उनका पहले बहुत ज्यादा था अब तो नहीं इसको ना ऐसे लिटा दिया और खड़खड़ाहटें मार रही है मैंने कहा तुम गिर जाएगी है कह रही नहीं मुझे तो नॉलेज है नहीं गिरेगी नॉलेज वो नहीं है उन्हें अपने बहनों के बच्चों को ऐसे वो करा सबसे बड़ी थी ना घर में भाई बहनों से सुन तले नहीं पेट पे लिटा दिया इसको और मेरे को नींद ना आए कि यही गिर ना जाइए और ये मान नहीं रही है कि कह रही है नहीं मैं तो ऐसे ही लेटाऊंगी आगे तो बताओ वाली बात ये ले टॉल्ट वाली बात कह रहा है मांग रहा है टॉल्ट वाली कहाँ आ रहा है इतना मीठा है बहुत अच्छा है इसको निका कल खा रही जतिन कह रहा बेकार है ये Before we part our ways and before we end this video, मैं एक बार दोबारा से याद दिला दूं कि आप अगर description box में दिए हुए link पे जाओगे और vlogish code use करोगे तो आपको discount तो मिलेगा ही साथ साथ Unacademy के बहुत सारे features को access करने का option भी मिलेगा जो आप सिर्फ vlogish code के साथ ही कर सकते हो So do not wait any further. 19th January से 12 महीने के लिए लग जाओ अपने judicial services exams की preparation के लिए आपको एक नहीं बल्कि सारे states की preparation यहीं से हो जाएगी With this I can just say that I'll see you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now and a very happy Lohri.